हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी ऑटो सेंटर। आज हमारे पास एक न्यू टॉपिक है। हमारे पास एक बाइक आई है डिस्कवर फॉलवर 150F, उसमें चेंज करना है ब्रेक शूज। यह पीछे वाले ब्रेक शूज चेंज करने हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा घर पे कैसे ब्रेक शूज चेंज करते हैं। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो मेन एक्सल का बोल्ट होता है वो 22 नंबर के पाने से खुल जाएगा। ये जो अपना ब्रेक लीवर का बोल्ट होता है 14 नंबर के पाने से ये भी खुल जाएगा, ब्रेक लीवर सेटिंग का। फिर यहाँ पे एक दूसरा बोल्ट होता है वो निकाल 14 नंबर का पाने से ये भी खुल जाएगा। ये 14 नंबर का बोल्ट होता है, ये वो भी निकाल दोगे। ऐसा बोल्ट होता है 14 नंबर का। फिर मेन एक्सल को धक्का देके निकाल दो, या ना निकले तो किसी पाने से या स्क्रू ड्राइवर से यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे ब्रेक शूज बाहर आ जाएंगे। ये हमारी गाड़ी के ब्रेक शूज है, या ब्रेक लाइनर भी बोलते हैं इसको। अब इसको हम चेंज करेंगे, और चेंज करने से पहले थोड़ा साफ सफाई भी कर लेना चाहिए, तो आवाज़ नहीं करेगी लाइनर आपके। जब ब्रेक लगाओगे तो आवाज़ आती है, बारिश के टाइम बहुत आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ नहीं करेंगे, तो उसके लिए साफ कर लेते थोड़ा। फ्रेंड्स, ये हमारे न्यू ब्रेक शूज, और ये पुराने वाले देखो कितना घिस चुका है इसका लेयर, इसलिए हमने इसको चेंज किया। तो हम लगाते हैं अपने न्यू ब्रेक शूज। तो इसकी जो दो स्प्रिंग होती है वो पहले सेट करते हैं। दूसरी वाली अभी इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ऐसे इजीली बैठ जाते हैं लाइनर, दिक्कत की बात कोई नहीं है, आसानी से लग जाएंगे। अब हम इसको जैसे अपने खोला था वैसे ही हम फिर इसको फिट कर देंगे दोबारा, फिर आपको दिखाते आगे का।